नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक पेन ड्राइव में एक लाइव सीडी को कैसे इंक्लूड किया जाए। तो दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभार हमारी विंडोज करप्ट हो जाती है, तो और हमारा उसमें डेटा रह जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा डेस्कटॉप में रह गया, सी ड्राइव में रह गया। तो अब हमने सारे तरीके आजमा लिए हैं, लाइक हमने विंडोज को रिपेयर करके देख लिया है और वो हमारे लिए वर्क नहीं किया। फिर हम शॉपकीपर के पास गए, हमने उससे बोला कि हमें मुझे अपना डेटा बचाना है और इसकी विंडोज करप्ट हो गई है, तो आप प्लीज एक नई विंडोज इंस्टॉल कर लीजिए। बट वो क्या कहता है कि देखिए सर, इसका डेटा मैं नहीं बचा पाऊंगा और आपको इसमें नई विंडोज इंस्टॉल करानी पड़ेगी। तो वो तो ठीक है, लेकिन आपका डेटा तो नहीं बचा ना। तो इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पेन ड्राइव में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी रैम से रन होगा, ना कि हार्ड डिस्क से। तो जैसे ही आप उस पेन ड्राइव को या सीडी को बूट करेंगे, तो वो आपका एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लोड करके दे देगा, जिसमें कि आपको आप अपनी सारी ड्राइव आपकी विजिबल होंगी, जिसमें से कि आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के बाद आप उस पर फ्रेश विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस पेन ड्राइव को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा डेस्कटॉप और जिन दो फाइल्स की आपको जरूरत होगी इस विंडोज 7 लाइव यूएसबी को बनाने के लिए, वो है पहला विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी, जो टूल हमने प्रीवियस वीडियोस में भी यूज़ किया है एक मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए, और दूसरा विंडोज 7 लाइव यूएसबी की आईएसओ इमेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करें और उस फाइल को डाउनलोड करें। तो अब हम इस विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी टूल को ओपन करेंगे और मैंने अपनी पेन ड्राइव पहले से ही सिस्टम में इंसर्ट कर रखी है। तो मैंने इस टूल को ओपन किया और अब आप इस आईएसओ इमेज को, जो हमने सबसे प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी, उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप टूल को बंद नहीं करेंगे अगर आप एक मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं। तो इस बार मैं मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बना के दिखा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा इसमें बस एक विंडोज 7 लाइव यूएसबी को इंक्लूड करूँगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस सेकेंड ऑप्शन को चेक करना है, जो कि है विंडोज़ विस्टा /7/8/10, और अपनी आईएसओ इमेज को ब्राउज करना है। तो चलिए हम अपनी आईएसओ इमेज को ब्राउज करते हैं। तो ये रही हमारी विंडोज 7 लाइव यूएसबी की आईएसओ इमेज, चलिए इसे ओपन करते हैं। अब हम गो पे क्लिक करेंगे और अब ये नाम पूछ रहा है आपको क्या नाम देना है यहाँ पे, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे विंडोज 7 लाइव यूएसबी। ओके, सो अब हमारे पास ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा बनने में, तो आप देख सकते हैं जॉब डन, जिसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली इस पेन ड्राइव में विंडोज 7 लाइव यूएसबी को इंक्लूड कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि वाकई में ये सक्सेसफुली बनी है या नहीं। तो हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, टेस्ट इन QEMU, गो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वक्त दें इसे स्टार्ट होने के लिए। और आप देख सकते हैं विंडोज विस्टा PE, जिसका मतलब ये है ये हमारी विंडोज 7 लाइव यूएसबी है। चलिए अब इसे बूट करके देखते हैं कि ये बूट टाइम में कैसी लगेगी। तो ये बूट टाइम में कुछ इस तरह से बूट होगी, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडोज, इसको थोड़ा टाइम लगेगा बूट अप होने में, क्योंकि अब इस समय हो क्या रहा है कि जितनी भी फाइल्स हैं, जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है 200 से 300 MB में,
और वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसने रैम में लोड कर दिया है आपकी मेन मेमोरी में। सो इसका कोई भी इंटरेक्शन अभी ये कोई भी फाइल आपकी हार्ड डिस्क से नहीं उठा रहा है। सो जाहिर सी बात है इसलिए इसको इतना टाइम लग रहा है। ये कुछ ड्राइवर्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा, तो प्लीज़ इस प्रोसेस को अपने आप रन होने दीजिएगा। इस मोमेंट पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डेस्कटॉप सक्सेसफुली लोड हो चुका है। ध्यान रखिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास लोड हुआ है वो रैम में से लोड हुआ है, ना कि हार्ड डिस्क में से। तो जैसा कि हमने बात की थी कि अगर आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है और हमारी विंडोज़ नहीं रिपेयर हो पाती है, तो इसका यूज़ करके हम उससे अपना डेटा जो है एक्सटर्नल डिवाइसेस में मूव कर सकते हैं, या कहें कि आप सी ड्राइव से हटा के अपनी दूसरी ड्राइव में डेटा मूव कर सकते हैं अगर आप पूरे सिस्टम को फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें हमारी पेन ड्राइव डिटेक्ट हो रही है। हम माय कंप्यूटर को ओपन करते हैं। अब हमने पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट किया और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पेन ड्राइव यहाँ पे शो होने लगी है। ये देखिए हमारी पेन ड्राइव यहाँ से ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से आप सी ड्राइव से अपने कुछ भी डेटा उठा के अपने एक्सटर्नल डिवाइस में डाल सकते हैं और उसके बाद सक्सेसफुली अपना सिस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका एक और ख़ास फीचर, इसमें हमारे पास अगर आपकी किसी विंडोज़ में पासवर्ड लग गया है और आप उस पासवर्ड को भी अनलॉक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इसमें एक खास फीचर दे रखा है। तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, अगर पासवर्ड रिन्यू, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर जाएंगे और पासवर्ड रिन्यू, यहाँ पे ये एक टारगेट विंडोज़ डायरेक्टरी मांग रहा है, जिसका मतलब ये है जिस भी आपकी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है जिसका कि आप पासवर्ड भूल गए हैं, आप बस उसको टारगेट कर दीजिए सिलेक्ट अ टारगेट करके। और अभी के लिए ये मैं वर्चुअल मशीन पे आपको रन करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट। तो जैसे ही आप इसको यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे आप रिन्यू अपना पासवर्ड कर सकते हैं और एक न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खास फीचर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि एक बूटेबल लाइव विंडोज कैसे क्रिएट की जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे लोगों की मदद हो पाए, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप इन करें, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अवेयरनेस टेप पे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस।